नमस्ते सतपाल जी, बाकी लोग कहाँ हैं आज? छुट्टी? तुम लोग आ गए? चलें। अच्छा, हमने आप लोगों को कल मिलवाया था शरद से और तुम्हारा क्या नाम था? निलेश। इन दोनों से, इन दोनों को शरद का बहुत बड़ा ड्रीम है, शरद को करना है बिजनेस। शरद ने अभी 12th की है और सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है। ले लिया है ना शरद? इंजीनियर बनना है। और निलेश ने तो M.Com कर लिया है। और निलेश का ये नाराज़गी है कि जिस कंपनी में निलेश काम करता था वहाँ से उन्होंने निकाल दिया, तो निलेश को जस्ट उनके बिल्कुल सामने कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना है। कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, बड़ी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो निलेश को भी आइडिया चाहिए, शरद को भी आइडिया चाहिए। और बहुत बड़ी बात है कि यार वो हमसे मिलने महाराष्ट्र से आए हैं। हमें डाउट था कि यार झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि बच्चे हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। तो आईडी भी चेक कर लिया हमने इनका, सच में महाराष्ट्र से आए हैं। तो आज थोड़ा सा इनको मेरे काम का ओवरव्यू चाहिए, तो टाइम थोड़ा सा कम है, तो जितना दिखा पाएंगे उतना दिखाएंगे इन्हें कि क्या चीज़ है। मेनली मेरी कल शरद से काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, तो जो इनके एरिया का मुझे अंडरस्टैंडिंग आई है वो ये है कि पेट्रोल पंप तो देखिए बहुत अच्छा खासा पैसा लेता है, LPG बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा पैसा लेता है, लेकिन जो पतंजलि है वो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। तो एक तो पतंजलि का बिजनेस इनको समझाऊंगी, मैंने अभी रिसेंटली उसके साथ क्या किया वो भी आपको बताती हूँ, और वहीं पर कनेक्टेड मेरा LPG का भी काम है, वहीं उसके साथ ही मैंने अपना पतंजलि स्टार्ट किया था। कैसे किया था, क्या किया था, चलिए आपको भी दिखाते हैं। अब शरद इतनी दूर से आए हैं तो आज उनके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, अब तुम में से कोई मत आ जाना, ठीक है, कि आओ दीदी मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें समझाओ, ये दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। वो आ गया है बस, इसलिए कुछ कर नहीं सकती मैं। और चलो, हमारी फैमिली है, फैमिली को मना नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट है, कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, बाकी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब थोड़ा मुझे कन्वीनियंट लगेगा, टाइम लगेगा, आराम से डिटेल में, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं हम मेरे LPG बिजनेस से। LPG में देखिए मेरे पास तीनों कंपनीज की गैस एजेंसीज हैं। मैं इंडियन ऑयल से भी कनेक्टेड हूँ, मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम से भी कनेक्टेड हूँ, और मैं आपकी भारत पेट्रोलियम से भी कनेक्टेड हूँ। तीनों कंपनीज का मेरे पास काम है, तीनों कंपनीज की डीलर हूँ मैं। आज हम गुड़गांव में हैं, अगर गुड़गांव पर्टिकुलर की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का काम है। ये काम कैसे होता है, क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, वो हम लोग बात करने वाले, वो मैं शरद को समझाऊंगी, वो साथ के साथ आप लोगों को भी समझाती जाऊंगी। चलो ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। अभी ये तो है हमारा ऑफिस से स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में कितने लोग आपको चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए, आ जाओ। ऑफिस के लिए अगर आपको LPG सेटअप करना है तो एक आपको शोरूम चाहिए, जहाँ पर भी आपकी एड आती है वहाँ पर हमें हमारा शोरूम चाहिए होता है, और उसी के आसपास, सतपाल जी 15 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकते ना, 15 किलोमीटर से हमें आगे एक्सटेंड नहीं करना है, वहाँ पे हमारा गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप लोग अपने सिलेंडर्स को कैरी करते हैं। तो ऑफिस का सेटअप होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमें लोग चाहिए होते हैं। और ये सतपाल जी मेरे साथ बहुत सालों से हैं, आपको मेरी कोई इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं बिल्कुल भी, वो ट्राई भी मत करना, ऑफिस भी मत आना। और लेकिन यस, बहुत पुराने लोग होते हैं, आप ट्रस्टवर्दी लोग रखिए, अच्छे लोग रखिए। तो आपको जो मुझे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर इतना टाइम कैसे है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो मुझे बहुत फ्री करते हैं। एक ये अली है, ये भी मेरा बहुत भरोसे का लड़का है, ये भी बहुत पुराना है, ये बहुत भरोसे का है। चलिए आइए चलते हैं गोडाउन पर। तो शरद ऐसा होता है हमारा शोरूम, ये जो शोरूम है ये अपनी मनपसंद से नहीं बनाते हैं हम, इसके पूरे नॉर्म्स होते हैं, तीनों कंपनी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, कौन से कलर की चेयर होगी, कौन से कलर की टेबल होगी, कौन कौन से बोर्ड्स लगे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्री में नहीं, पैसे लेते हैं, मगर आपको बता देते हैं, आपको लेआउट दे देते हैं कि आपको ऐसा शोरूम बनाना है, इससे अलग नहीं बना सकते, सब चीज़ें उनकी होती है, वो अपने आप डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर अगर तुम्हारी खुद की ज़मीन है तो अपना शोरूम या दुकान खुद की है तो उससे काम चल जाएगा, खरीद सकते हो, लीज पे भी ले सकते हो, दोनों पे कंपनी परमिशन देती है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब अप्लाई करोगे तो शोरूम का भी तुम्हें रजिस्टर्ड लीज के पेपर देने पड़ेंगे। कंपनी में जाकर बोल सकते हैं कि इसके खेत में या जो एडवर्टाइजमेंट में जगह बताइए। खेत एग्रीकल्चर लैंड में नहीं होता, CLU होना चाहिए आपके पास, कमर्शियल लैंड होना चाहिए। LPG की एजेंसी ना दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रामीण वितरक जो सिर्फ गाँव के लिए होता है, उसकी लिमिटेशन होती है, और जैसे हमारी है ये अर्बन है, इसमें हमारे पास गाँव भी हैं और शहर भी हैं।
ये मेरे गोडाउन का रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, पूरा लश ग्रीन है आपका लेफ्ट में, देखो शरद लेफ्ट में भी और राइट में भी, और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। नमस्ते प्रमोद, कैसे हो प्रमोद? घर में एलपीजी गोडाउन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है ये होता है लोडिंग एरिया, जहाँ पर आपके ट्रक वगैरह खड़े होते हैं। ये कुछ हमने कमरे बना रखे हैं पीछे की साइड में, कुछ हमने रूम्स यहाँ पे बना रखे हैं। अब आइए अंदर, यहाँ पर ये सब जगह आपको सिलेंडर ही सिलेंडर दिखाई देंगे। ये हमारे 14.2 केजी के होते हैं, ये 19 केजी के होते हैं जो कंपनीज वगैरह में जाते हैं। चल रहा है दूसरा कि थोड़ा सा यहाँ कुछ निकलता रहता ना वो। अच्छा, अंदर भी हमारे पास ये इस तरीके से बहुत सारा स्पेस होता है, इसमें हमारे एक जगह पर हम भरे हुए सिलेंडर रखते हैं, एक जगह पर हम खाली सिलेंडर रखते हैं। ये होते हैं हमारे 2 किलो वाले, है ना, ये भी नया आया है ना। हाँ, तो ये और यहाँ का सारा पार्ट मैनेज करता है श्रीकांत। ये है श्रीकांत, ऐसा लड़का आपको रखना पड़ेगा गोडाउन पर थोड़ा सा, जिससे लोग डरे, जिसको देख के डर के भाग जाए, कोई आपके गोडाउन पर चोरी वोरी करने का सोचे नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपके लाइसेंस वगैरह लगे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है। और गोडाउन के लिए जो कंडीशन है वो हमारी ये होती है कि जो ये अंदर वाला एरिया है इसके सराउंड में भी आपके पास बाहर की तरफ 100 से 150 गज की करीब जगह पूरे ऐसे करके घूमी हुई है। ये कंडीशन है यहाँ पे बनाने के लिए, तो जब आपका एलपीजी का कुछ निकलेगा तो आपको ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। और ये दो श्रीकांत के बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा यहीं पे मिलेंगे। ये और भी हैं, कहाँ से इनके बच्चे बेस्ट फ्रेंड बना लिए क्या? चलो, और ये इसी तरीके से ना जितना ये पूरा जगह है ऐसे करके पूरा घूमेगा। तो आई थिंक गोडाउन के लिए हमारी 900 गज के करीब ये है, ये टोटल 1200 गज है, और इसके बाहर और आपको 100, 150, 200 गज के करीब वो जगह चाहिए। तो इतना लैंड आपको चाहिए गोडाउन बनाने के लिए, इसको लीज़ पे भी ले सकते हो। और शरद, अगर तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है, अगर इस चीज़ को बनाने की बात करेंगे तो ये भी एज़ पर कंपनी नॉर्म्स बनता है, ऐसे नहीं है इसमें जो ये मैश लगे हुए हैं ये सब के स्टैंडर्ड है कि कौन सा लगाना है कैसे लगाना है, वो सब कंपनी पास करती है। अंदर जो तुम्हें हमारा दिख रहा है वो मेस्टिक फ्लोरिंग होती है एक, वो टूट जाती है बार बार, उसको कराने की कॉस्ट 6 से 7 लाख रुपए है, वो करानी पड़ेगी रिपीट बार बार, खर्चा है इन कामों के अंदर। ये नहीं कि एक बार तुम्हारा हो गया तो बस हो गया, तो बार बार रिपीट कुछ ना कुछ। और श्रीकांत जी, कुछ बताना चाहते हो? सबसे मेन गोडाउन होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है। कोई भी टीम आती है आपकी, कुछ भी आपकी चेकिंग होती है या विजिलेंस आता है, जो भी आता है, सब कुछ आता रहता है, सब कुछ चेकिंग होती रहती है, उसमें मेन पार्ट इज़ गोडाउन, जहाँ पे हम स्टॉक सबसे पहले मेंटेन रखते हैं कि हमें बिल्कुल पता होता है कि कितने हमारे सिलेंडर्स गए हैं, कितने हमारे सिलेंडर्स आएंगे, ये वाली चीज़ें। और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है कि लड़कों को बता के रखना पड़ता है कि भाई आपके पास में हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ड्रेस आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, और आपके पास लीकेज डिटेक्टर वगैरह ये सब विंस मशीन सब कुछ ओके होनी चाहिए कि रास्ते बीच में अगर आपका कहीं भी कोई भी अफसर कोई भी आ जाता है तो अगर वो आपकी गाड़ी को वेट भी करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी ड्रेस मेन है कि ड्रेस जरूर होनी चाहिए आपके पास। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे ड्रेस हो गई, आप एक आपका वो होता है वेट के लिए वेइंग मशीन, हम डिजिटल वेइंग मशीन देते हैं इन्हें, एक हम लीकेज डिटेक्टर देते हैं, और ये सब चीज़ें, लीकेज डिटेक्टर आई थिंक 5-5.5 हज़ार रुपये का है, और इतने का ही हमारा वेइंग स्केल आता है, और बाकी ऑटो वगैरह सब लड़कों के होते हैं, कुछ हम भी प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ लड़कों के भी होते हैं। तो ये इतना खर्चा एक गैस एजेंसी के सेटअप में आपका लगता है 3 से 3.5 करोड़ रुपए आपके खर्च होंगे। चलो अब आपको दिखाते हैं पतंजलि का सेटअप, हम पतंजलि के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो ये हमने रास्ता बनवाया, ये ज़मीन हमारी है, ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद किया है। सामने ये जो हमारा है ये है 250 गज का गोडाउन, जो पतंजलि का अगर आपको डीलरशिप चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने पतंजलि की कोई शॉप नहीं खोली थी, मैंने पतंजलि की डीलरशिप ली थी, तो उसके लिए ये गोडाउन आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। अभी ये आपको बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, ये खाली इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इसको बंद कर दिया है काम को, क्योंकि यहाँ पर गुड़गांव में हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे। प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि ये अपना 6% का मार्जिन आपको देते हैं, और 6% में हमें कुछ पैसा नहीं बच रहा था,
अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो देखिए जैसे मैंने सामान ऑर्डर किया 10 से 11 लाख रुपए का, एक बार में ट्रक में सामान आता है पूरा, मैंने वो सामान सारा मंगा लिया। उसके बाद उस सामान को अलग अलग जगहों पे दुकानों पे भेजने के लिए मुझे ऑटो चाहिए। एक ऑटो का रेंट 40 से 50 हज़ार रुपये होता है, तो मुझे 3 या 4 ऑटो चाहिए। उसके बाद मुझे 3 या 4 लड़के चाहिए जो उस सामान के लिए जगह जगह पर घूमेंगे, बात करके आएंगे कि आपको चाहिए आपको चाहिए, मार्केटिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा खासा खर्चा आपका हो जाता है। उसके बाद और क्या क्या खर्चा होता है श्रीकांत हमारा इसको मैनेज करने में? मैनेज करने में खर्चा ये होता है कि एक तो मैं लड़के रखने पड़ते हैं अपने, हाँ, कि वो जाते हैं डिलीवरी बॉय जिस तरह के होते हैं उसी तरह शॉप बाय शॉप पे जाते हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद में फिर हम उनको सेल पे बेसिस पे रखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं शाम, यहाँ पर आकर भी जो ट्रक आपका आ गया ना उसमें जो सामान उतरवाना है उसके लिए भी फिर तुम्हें अलग लोग चाहिए, उसके लिए भी हमें लेबर रखनी पड़ती है वो उसको खाली करने के लिए। मतलब आपका खर्चा हो रहा है, लेकिन किसी भी बिजनेस में जब आप खर्चा करो ना, जब आपका जितना आपका एक्सपेंस हो रहा है आपका प्रॉफिट बचना चाहिए। पतंजलि में अगर मैं गुड़गांव में अपनी डीलरशिप की बात करूँ कि हम लोग फुल ऑन लॉस में जा रहे थे, हम कुछ नहीं पैसा कमा रहे थे, हम बस सिर्फ परेशान हो रहे थे कि हमारा ट्रक आ रहा है रात को, कभी 2 बजे आ रहा है कभी 3 बजे आ रहा है, लगे हुए हैं हम लोग परेशान क्योंकि लेबर भी चली गई है। तो फिर हम उस टाइम पर लोगों को बुला के सामान को चलो रखवा रहे हैं जैसे वैसे, उसको अरेंज करवा रहे हैं, फिर उसके बाद ऑटो का खर्चा, लड़कों का खर्चा, नहीं वो प्रॉफिट इतना देते। तो पतंजलि तो मैं सबको मना करूँगी कि डोंट गो फॉर पतंजलि। अगर आपकी वहाँ पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, आपको ऑटो रखने पड़ेंगे सामान के लिए, वो कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, अगर आप ऐसे एरिया में कहीं रहते हैं जहाँ पर इन चीज़ों की कॉस्ट कम है तब तो आप इसको कंसिडर कीजिए। अदरवाइज़ अगर इन चीज़ों के खर्चे ज़्यादा है ना, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। इनफैक्ट मेरे पास पतंजलि से टीम भी आई थी जब हमने इस चीज़ों को वाइंड अप किया था कि मैम आप इसको ऐसे मत बंद कीजिए, अभी एक बार और ट्राई कीजिए। हमने उन्हें ही बोल दिया था कि आप ही मुझे सर प्रॉफिट निकाल के दिखा दीजिए, वो भी नहीं कर पाए थे। तो ये एक हमारा रीज़न है कि हमने पतंजलि को वाइंड अप किया इतना सारा सेटअप करने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। और पतंजलि अगर अपना प्रॉफिट स्ट्रक्चर को थोड़ा बेटर करे ना, कि थोड़ा मार्जिन बढ़ाए डीलर के लिए, अभी तो 6% का आपको मार्जिन देगी, 6% 7%, उसमें कुछ नहीं होता यार, कोई आपको कुछ पैसा नहीं निकलता है, उसको बढ़ा देंगे तो हम सोच सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का सिंपल सा एक तरीका है इनका, 1 लाख रुपये ये डिपॉजिट कराते हैं आपसे, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, एक हमारा ये आपको मैंने गोडाउन दिखाया कि ये बनाना पड़ेगा आपको, और दूसरा ये हमारा ऑफिस, ये हमने इसमें ऑफिस बनाया था जिसमें, हाँ, जिसमें श्रीकांत ने अपना बेड लगा लिया क्योंकि अब हमारे किसी काम का नहीं है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो LPG के लिए मैं बिल्कुल थम्स अप करूँगी कि बहुत अच्छा बिजनेस है, बट पतंजलि के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने खर्चे ज़रूर देखिए कि अगर आपका खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है और आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो बिल्कुल फ्लॉप शो है, नहीं कंसिडर करना, ठीक है शरद, तुम्हें आ गया समझ? तुम्हारे साथ साथ सबको समझा दिया मैंने। तो दोस्त ये थी हमारी 2 चीज़ें जो मैंने गुड़गांव में ही सेटअप किया है, एक तो मेरा LPG का काम है, एक मेरा पतंजलि का था जो मैंने बंद कर दिया है, प्रॉफिट नहीं निकल रहा था उसमें। और मेन बात है ये जगह बहुत सुंदर है, यहाँ पे अरावली का सारा व्यू है और बहुत प्यारा है। और अब मैं इनफैक्ट एक चीज़ सोच रही हूँ कि जो मेरे पास ये जगह है ना, जो मेरा पतंजलि वाला पूरा आपको दिखाया, ये बहुत बड़ी जगह है, ये अराउंड 1200 गज में ये जगह बनी हुई है हमारी पूरी, उस साइड का पार्ट आपको दिखाया नहीं था पूरा, उसमें घास वास आई हुई है, सांप भी निकल जाते हैं अब तो वहाँ पे। वहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक कैफ़े बनाएंगे, तो अभी कब बनाएंगे थोड़ा सा सोचूंगी, लेकिन यस मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे चलेगा, है ना प्रमोद, आ जाओ इधर। और ये है प्रमोद, ये भी हमारा गोडाउन का पार्ट संभालते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है मुझे बिल्कुल फ्री रखने के लिए, कि इन लोगों के काम की वजह से, इन लोगों की मेहनत की वजह से रजनी चौधरी बहुत ज़्यादा फ्री होती है, मैडम घूमती रहती है, बड़े परेशान रहते हैं लोग, प्रमोद कहते हैं कि मैडम तो कोई काम ही नहीं करती है, बताओ भैया हम करते हैं सारा दिन काम, ये लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सल्यूट है इन लोगों को, इनके बिना तो मैं स्टैंड ही नहीं करती हूँ। तो चलिए दोस्त ये थोड़ा सा हमने आपको ओवरव्यू दिया, और भी चीज़ें दिखाएंगे आपको विद टाइम, धीरे धीरे दिखाएंगे। और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे जो लोग हैं जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ही लगन आ गई है कि मुझे कुछ करना है। अभी तुम नहीं कर पाओगे, अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है, पहले सबसे पहला स्टेप पढ़ाई है पूरा करना, उसके बाद धीरे 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 धीरे, और हर चीज़ की एकदम फास्ट नहीं होना लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप करना है, तो बिल्कुल कर पाओगे। मैंने किया सब कर लेंगे यार, इतनी बड़े वो नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, और बहुत सारा गॉड ब्लेस निलेश को और शरद को। थैंक यू मैडम, थैंक यू, चलिए बाय।
अच्छा शरद, अब तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीख के जा रहे हो? एक्सपीरियंस यहाँ पर मैम ने बहुत ही अच्छा एक ने एक स्टेप गाइड किया है और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और लेबर इश्यूज होते हैं उसे कैसे हैंडल करना है वो भी उन्होंने अच्छी तरह से बता दिया है। और उनके पास मतलब एक्स्ट्रा टाइम बचता है, इसका कारण उनके पास बहुत मतलब अच्छी तरह की मैन पावर है, तो बस यही बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर। चलो अब तुम क्या करोगे आगे? अभी पढ़ाई के लिए बोला है मैंने, तो पहले पढ़ाई करनी है ना? जी हाँ, अच्छे से पहले पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अपने आप अपॉर्चुनिटीज आती है लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना सब होता जाएगा। लगन है ना अंदर? जी हाँ, कि करना है मुझे। फुल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, बस ये कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करना, ठीक है? पहले पढ़ाई में राइज करके दिखाओ मुझे, फिर अगले स्टेप पे आएंगे, ठीक है? ठीक, चलो।